आज हम लेकर आए हैं अपने यहाँ से निविया शाइनिंग स्टार फुटबॉल का रिव्यू। तो वीडियो देखने के लिए बने रहे। शाइनिंग स्टार बॉल ला चुका हूँ, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मेरे पे ब्लैक कलर की है। ये बॉल बेसिकली टू कलर्स में आती है, एक वाइट एक ब्लैक। तो आपको जैसे पसंद आ उस कलर में जा सकते हो। इसके दो तरीके वेरियंट्स आती है, एक जिसमें बाहर ग्रिप रहती है और एक जो बाहर से बिल्कुल सॉफ्ट जैसे नॉर्मल फुटबॉल से रहती है। वो बेसिकली क्लासिक ग्राउंड के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये वाली आप हार्ड ग्राउंड के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकती है, मैं फुटबॉल मैंने फेब्रुअरी में खरीदी थी और मेरे को एक कॉस्ट लगभग 800 के आसपास लगी थी, मिली थी। तो आपको ये बॉल 1000 उसके आसपास मिल सकती है ऑनलाइन शॉपिंग पर। नीचे लिंक डाल दूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकती है। तो ये बॉल मैं फेब्रुअरी में खरीदी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैं इसे सबसे हार्ड ग्राउंड में खेल चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बिल्कुल वैसे नई की नहीं है, बल्कि इसके स्टिकर्स वगैरह भी वैसे के वैसे ही लग रहे हैं जैसे नए बॉल के रहते हैं। तो ये बॉल मेरे को बेसिकली काफ़ी पसंद आई। मैं आज तक काफ़ी फुटबॉल्स यूज़ कर चुका हूँ, जैसे कोस्टो काफ़ी बॉल्स यूज़ करी हुई है। जैसे कि ये मेरी जो मैंने आखिरी बार बॉल ली थी, ये मेरी कोस्टो की थी जो टोरिनो मॉडल था। तो ये मेरे को 2-3 साल हो गए, इसलिए इसका कवर वगैरह आप देख सकते हो उतर गया। बेसिकली एक बॉल हार्ड ग्राउंड के लिए नहीं थी, लेकिन मैंने हार्ड ग्राउंड पे भी इसे यूज़ कराया, इसलिए इसकी थोड़ी हालत ऐसी हो गई। वरना इससे पहले मैं कोस्को की मैक्सिको मिलानो और काफ़ी कोस्को की बॉल ले चुका हूँ। मैंने वेक्टर की बॉल भी ट्राई करी हुई है, वेक्टर की बॉल भी काफ़ी अच्छी है। तो हम वापस अपनी बॉल पे, साइड में मेरी वीडियो चल रही है, तो आप देख ही सकते हैं कि इसका बैलेंस कितना अच्छा है। आप इससे स्किल्स बड़ी आसानी से कर सकते हो और बॉल का वेट भी काफ़ी अच्छा है, जिससे बॉल अच्छे प्रपोर्शन में घूमती है इधर से उधर। तो दोस्तों, मैं आखिरी में आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे ये बॉल काफ़ी पसंद आई और आप इसी तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं।